मजबूर हैं, और जो मजबूर है जिनके पास पैसा नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, हाँ। तो वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और अभी हमारा अभी लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन से जितने सब कमाने वाले थे सब घर में बैठे हुए, खाने के जवान दे तो कहाँ से जाएंगे, घर का मिलेगा फिर हम लोगों। नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं इब्राहिम शेख, आप देख रहे हैं गली न्यूज़। आज हम खड़े मुमरा के बरकत पार्क इलाके में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ABCD बरकत पार्क की, उसमें की जो डी विंग है उसके ग्राउंड फ्लोर में एक दुकान थी, उसका जो स्लैब है वो गिर के नीचे आ चुका है बहुत ही, और उसमें किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी TMC की तरफ से जितने भी रूम थे उसको सील मारा गया है, सील किया गया है। और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शाह आलम आजमी और रेहान पित्तल वाला जो है यहाँ के समाज सेवक, उनके कुछ लोग यहाँ पर आके और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी आगे किया जाए। अभी उन लोगों की मांग है कि जाएंगे कहाँ पे, अभी इन लोगों को जो उनका घर सील कर दिया है, अभी चार दिन से बारिश लगातार गिर रही है, तो इनको कहाँ पे रखा जाएगा। तो शालम आदमी से हमने बात की। आप लोग देखिए, अभी जैसे हम लोग को मालूम पड़ा था, अभी अधिकारी लोग आए थे जो लॉक कर रहे थे, तो टेरेंट से मेरी बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग 8 जन है जो ऑनर है, और 9 जन इसके अंदर भाड़ूत रह रहे थे। तो मैंने अभी पाठक साहब से और साबले साहब से इन लोग से बात किया कि साहब ये बारिश की हालत पहली बात, दूसरा लॉकडाउन का मसला चल रहा है, ये गरीब जाएंगे कहाँ। तो मैंने इनसे मांग किया प्रशासन से कम आप इनको माड़ा के अंदर भाड़े पे, जो भाड़ा लेती है भाड़ा सही, लेकिन इनको रूम दिया जाए ताकि ये बारिश में अपने परिवार को लेके कहीं कहाँ रहेंगे। अभी जैसे कि आपने लोगों से पूछा तो लोगों ने यही कहा कि भाई किसी के रिश्तेदार है नहीं, और जिसके है भी तो मतलब परिवार के साथ में 1 से 2 दिन कोई रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो अभी जब हमारी बात चल रही थी तो पाठक साहब से इन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल में एडजस्टमेंट करते, अब ये दे रहे नहीं दे रहे ये नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन हमारी ये मांग है कि प्रशासन को आज ही इनका फैसला करना चाहिए, इनको स्कूल के अंदर रूम दो, नहीं माड़ा में हो रहा है आप स्कूल में दो। लोग अभी ये अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोरोना वक्त चल रहा है, कोरोना वक्त चल रहा है तो कोरोना वक्त इनके लिए भी है ना, ये कहाँ रोड में भटकेंगे, कोरोना इनको तकलीफ नहीं होगी फिर कोरोना से। तो मेरी ये प्रशासन से एकदम मतलब यही मांग है कि इनको घर आज किसी भी हालत में इनको रहने के लिए टेम्पररी बेस, तो टेम्पररी बेस स्कूल दिया जाए। कौन सी स्कूल, ये कौसा गांव वाली स्कूल या कौसा MM वैली? नहीं, MM वैली स्कूल, इन्होंने मुझे बताया कि MM वैली है, तो वो MM वैली की जो स्कूल है बड़ी है। क्लासेस भी बड़ी है, अगर 8-9 फैमिली या जैसे 17 परिवार है बता रहे, तो ये 17 परिवार वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। और क्योंकि स्कूल अभी चल नहीं रहा, चार महीने कम से कम, अभी अगस्त सितंबर तक तो स्कूल चलेंगे नहीं, तो जब तक आप अगर प्रशासन इनको कोई माड़ा में रूम नहीं दे रहा तो ये गरीब उसमें रहेंगे, और अपने हिसाब से ये कहीं पे रूम का बंदोबस्त कर सकते भाड़े का या जो भी करना रहेगा, नहीं महीना 2 महीने में लोग अपना बंदोबस्त कर लेंगे। अगर प्रशासन इसका कुछ सपोर्ट करती है, कोई प्राइवेट बिल्डर आ रहा, देखो आपको मालूम 7 साल से ये बिल्डिंग धोखादायक में थी, और हालात वाकई अगर ये अमीर रहते या उतना पैसा इनके पास, तो 7 साल इंतजार नहीं करते, हर कोई टेरेंट निकाल के अपना बिल्डिंग का रिपेयर करते या मेंटेन कर जो भी करते थे, लेकिन आज इनके पास पैसा नहीं है। अब सरकार खाली भी करा दे तो कल ये नहीं ला पाएंगे इतना पैसा है। तो मैं तो ये सोच रहा है, मेरी ऐसी मांग रहेगी कि प्रशासन अगर किसी को देता है, प्राइवेट बिल्डर को देता है, या कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे को नीचे बना के ऊपर किसी और को दे देवे, तो अपनी तो ये राय रहेगी कि इन गरीबों को उसी हिसाब से छत मिल सकती, बिल्डिंग की ऐसी हालत नहीं कि इसको रिपेयर करके बना सके, इसको लॉकडाउन पूरा कम्प्लीटली डाउन करके ही बनाना पड़ेगा, तो इनके पास तो इतना पैसा है नहीं। आप भी देख रहे हैं रफीक भाई जैसे लोग हैं बेचारे, ये अपना घर अपना गुजारा कर ले, वही बड़ी मेहरबानी अल्लाह का, घर बनाने की ऐसी इनकी किसी की, मेरे को तो नहीं लग रहा कि किसी की ऐसी हालत है कि ये लोग 10-10, 5-5 लाख रुपया निकाल के घर बना पाएंगे। तो अगर प्रशासन कोई ऐसा सिस्टम निकालती है कि इसको किसी बिल्डर को दे के कि भाई 4 माला तुम बना लो, 2 माला कि इनका गरीबों का टेरेंट का रूम मिल जाए, ये एक रास्ता है, तो इसमें हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए ताकि इनके घर मिल जाए और कोई बिल्डर काम कर ले, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। बिल्डिंग में रहते हैं, मेरा नाम मुमताज खान है, मैं 25 साल से रह रही हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है,
अच्छा, अभी मतलब कल मतलब थोड़ा स्लेब गिरा था, हाँ। तो हम लोग खुद ही आज घर खाली कर रहे थे। अच्छा, इतने में फिर म्यूनसिपालिटी वाले आ गए, हाँ। और उन लोग ने सील लगा दिए। सील लगा दी, हाँ, बोले आप लोग खाली करो, बोले बाद में आपका सामान उठा लेना, बोले सामान वगैरह सब आपका अंदर, सब अंदर ही हमारा कॉर्पोरेशन ने सील कर दिया है। और आप अभी भी पूरे घर के साथ बाल बच्चों के साथ, बच्चे के साथ बाहर है, बाहर। अभी हम लोग को बोले हैं कि आपको म्यूनसिपालिटी स्कूल में 2-4 दिन के लिए आपको वहाँ रखेंगे, हाँ। अभी आप लोग यहाँ मत रहो, बोले। अच्छा, तो आप 2-4 दिन वहाँ रहो, बोले, फिर बाद में आप लोगों का रूम का इंतजाम करेंगे। अभी एक 6-7 साल हो गए ना, 7 साल हो गए, 6-7 साल से, हाँ, 6-7 साल से, हाँ। धीरे धीरे ये बढ़ते चले जा रहा है मामला, हाँ। अच्छा, क्या टोटल इसमें कितने फ्लैट है? इसमें 48 रूम है। 48 रूम, हाँ। तो 48 रूम में से अभी कितने पे सील लगा और कितने लोग यहाँ पर रहते थे, कितनों में कितने मकान में लोग रहते थे? 48 में से 17 रूम में भी सब रहते, बाकी सब रूम बंद था, काफी लोगों ने खाली कर दिए, जो मजबूर है, और जो मजबूर है जिनके पास पैसा नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, तो वो लोग यहाँ रह रहे। अच्छा, और अभी हमारा भी खुद का रूम है, हमारा भी पैसे नहीं है, और अभी ये लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन से जितने भी सब कमाने वाले थे सब घर में बैठे हुए, खाने के जवान दे तो कहाँ से जाएंगे, घर कहाँ मिलेगा फिर हम लोगों, फिर कहाँ से लेंगे हम घर? मेरा नाम यास्मीन है, बरकत पार्क में डीविंग में 13 साल से रह रहे हैं, वही बता रहे कि 4 दिन के लिए स्कूल में, म्यूनसिपालिटी स्कूल में रखेंगे, उसके बाद में आपको कोई रूम दिया जाएगा, बोल रहे हैं, अभी देखो आगे क्या होता है, यही अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को तो चाहिए एक रूम देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं अभी देंगे नहीं देंगे, अब वो जाने, जब तक तो हम लोग बाहर ही बैठे रहेंगे, तब तक कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो कोई है नहीं, कोई रिक्शे में बैठ रहा है, कोई इधर हो कोई उधर हो, यही बैठ रहे हैं। अच्छा। जिसके रिश्तेदार है वो रिश्तेदार के पास जाएंगे, जिसके रिश्तेदार नहीं है वो कहाँ जाएंगे, मिल जाएगा तो 2-3 दिन के लिए मिलेगा, वो भी वैसे भी सबके फ्लैट छोटे छोटे हैं तो सब तो नहीं रह सकते हैं ना, 2-4 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं, सब लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो